अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस बार मैं लेकर आई हूँ ये मेकअप लुक जो कि है सॉफ्ट ग्लैम। ईद के लिए मैंने लुक के क्रिएट किया है और काफ़ी पिंक और सॉर्ट ऑफ कोरल टाइप का ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है। और इससे क्या होगा ना, इन कलर से आपका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन अप लग जाएगा। और जितनी गर्मी है ना, तो गर्मी में रंग बहुत डल लगने लगता है। तो इस टाइप का मेकअप करिएगा जिसमें मैंने कोई फाउंडेशन का इस्तेमाल नहीं किया, कोई काजल, कोई आईलाइनर नहीं इस्तेमाल किया है। तो उससे ना आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग तो रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ आपका मेकअप काला नहीं पड़ेगा, आपका फेस काला नहीं पड़ेगा, आपको मतलब थोड़ा सा फ्रेश सा फील करोगे थ्रू आउट डे, क्योंकि ये फुल डे लास्ट लॉन्ग करने वाला है। एंड ऑल्सो 99.99% यही टाइप का मेकअप लुक मैं रखने वाली हूँ अपना ईद पर इस बार, क्योंकि इस लॉकडाउन में हम लोग कहीं जाने वाले तो हैं नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि सॉफ्ट सा मेकअप लुक क्रिएट किया जाए ताकि वो सब के लिए हो, मतलब टीनेजर हो, मैरिड हो, कैसे भी हो आप, तो आप ये इस टाइप का लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर कहीं जा रहे हो तो और भी अच्छी बात है। सो आई होप कि आपको ये लुक पसंद आ रहा होगा। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते, इंट्रो बहुत लंबा हो गया है, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, रेड कलर का बटन है, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आप नोटिफाइड हो पाएँ हर बार जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पर मैं सबसे पहले हनी टोनर इस्तेमाल कर रही हूँ जीवी का, और उसे अपने फेस में इसे पैट कर लेंगे ताकि फेस मेकअप के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सेरम। तो मैंने जीवी प्लस का सेरम यूज़ किया है ऑयल कंट्रोल। आप ऑयली स्किन टोन हैं तब ऑयली स्किन है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लिप बाम लगाएंगे। अभी मैं आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ, तो सबसे पहले हम आईब्रो को फिल कर लेंगे। आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने पॉप फिल आईब्रो पेंसिल इस्तेमाल करी है, आप कोई भी आईब्रो पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हम इसे अपनी आईब्रो को थोड़ा सा कार्व आउट कर लेंगे ताकि हमारा जो फेस है, जो आईब्रोज़ हैं, वो और भी ज़्यादा क्लीन हो जाए। आईब्रो क्लीन हो जाएंगी ना तो आई मेकअप बहुत ज़बरदस्त लगता है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि ज़्यादा मेहनत मैंने उसमें नहीं की है, बट कितना अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप से अपने आप खुद ही अपनी तारीफ़ के ले रही हूँ। लिड पर भी लगा लेंगे। एंड यहाँ पर मैं SQ का लिक्विड ग्लिटर ले रही हूँ। लिक्विड मतलब बॉडी शिमर टाइप का है, जो भी इसको बोलते हैं, इस टाइप का है। इससे मैं बस ज़रा सा एक पॉइंट लिया है और पूरी आईलिड पर लगा लूँगी, लाइक मतलब ब्रॉ बोन और सब जगह लगा लूँगी इसको, और अपनी फिंगर से स्प्रेड कर लेंगे इसको ताकि ये हमारा जो आईज़ है वो प्रेप हो जाए। एंड ऑल्सो आईज़ में एक चमक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आ रही है। देन इसके बाद एक बिग फ्लफ़ी ब्रश लेंगे आई शेडो के लिए, आई शेडो ब्लेंडिंग के लिए। ये फ्लफ़ी सा ब्रश है, बिग है बहुत। तो उससे मैंने ये हिलारी रोडा का 12 आई शेडो पैलेट लिया है जो कि है 02 नंबर, बहुत ही ज़्यादा चल रहा है इस टाइम, तो काफ़ी सस्ता भी। इसमें से मैं ये डार्क पिंक शेड ले रही हूँ और उसे क्रीज में ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद चूंकि मैंने ये डार्क पिंक शेड लिया था, तो इसी का मैं लाइट शेड ले रही हूँ जो ऊपर की तरफ है, बेबी पिंक, और उसे भी हम अपनी क्रीज में सेम ब्रश से लगा लेंगे। देन पतला सा ब्रश ले रहे हैं और उससे ये कोरल ऑरेंज शेड ले रहे हैं और उसे मैं अपनी क्रीज में अप्लाई करूँगी ना। यहाँ पर मैं वेट एंड वाइल्ड का कैट सूट ग्लिटर आई शेडो है, लिक्विड आई शेडो है, और इसका नेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको चेकआउट कर लो। और उसे मैं अपनी हाफ लिड पर लगा लूँगी एंड पिंक आई शेडो अपनी आउटर कॉर्नर पे अगेन, इससे थोड़ा सा एजेस को डिफ्यूज़ करने के लिए। यहाँ पर मीनाओ की वाइट कलर की काजल लिया है मैंने, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। प्राइमर के लिए किस ब्यूटी का प्राइमर लिया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। एंड फाउंडेशन के लिए मैं लैक्मे 925 की CC क्रीम ले रही हूँ और इसे एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से डॉट डॉट करके, देन उसी ब्रश से मैं इसे लगा भी लूँगी। नेक पर लगाना बिल्कुल मत भूलें, अगर आपका जो कुर्ता उर्ता पहन रहे हो वो डीप है तो नेक पर बहुत अच्छे से अप्लाई कर लो। मेकअप लगा होना चाहिए ईयर में भी। और उसके बाद एक ये ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने डैब डैब कर ली ताकि ब्रश की लाइन्स वगैरह ना दिखें। अगर आपको ज़रूरत यहाँ पे लग रही हो तो ही कंसीलर लगाएं, वरना कंसीलर बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि देख सकते हैं आप मुझे ज़्यादा कंसीलर की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं हाईलाइट वगैरह नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो अंडर आई एरिया है और थोड़ा सा लिप के अराउंड ज़्यादा मुझे पिगमेंटेशन रहती है वहाँ पर, तो मैंने बस वहीं पर लगाया है, बाकी कहीं भी नहीं लगाया है। नहीं ज़रूरत आपको लगे तो मत लगाइए और ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर दीजिए ताकि सीमलेस ब्लेंडिंग आपको मिले। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिस क्लेयर की लिप पेंसिल, शेड है 39, और ये मेरी बाय फार फेवरेट अब तक की रही है। और इसे मैं एज अ ब्लश, मतलब मैंने इसको लिपस्टिक कम और ब्लश से ज़्यादा इस्तेमाल किया है ब्लश के लिए, और इसे मैं अपनी चिक्स पर लगा लूँगी, देन ब्लेंड कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से।
और उसी आई शेडो पैलेट से वही डार्क पिंक शेड लेकर ब्लश ब्रश ले रही हूँ और उससे मैं अप्लाई कर लूँगी, उसे सेट कर लूँगी। क्रीम जो ब्लशर मैंने लगाया है उससे मैं सेट कर लूँगी दोनों तरफ। वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट ले रही हूँ, कैरामल टॉफी मेरा शेड है और उससे मैं थोड़ा बहुत कॉन्टोर करूँगी चिक्स को और थोड़ा बहुत नोज़ को। अगर आप ये स्टेप ना फॉलो करना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हो। बनाना शेड उसमें से ले रहे हैं और अपनी आईज़ को बेक करेंगे। बेक इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो कंसीलर है, फाउंडेशन है, वो एक जगह यू नो स्टिक हो जाए और इधर उधर फैले नहीं, मतलब हटे नहीं अपनी जगह से। और दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा मुझे तो लगता है कि इससे बहुत अच्छी खासी कवरेज मिल जाती है और जो फाउंडेशन और कंसीलर आपने लगाया होता है ना वो एकदम फिनिश उसकी बहुत HD टाइप की आ जाती है। तो मेरे हिसाब से आप बेकिंग ज़रूर करो और गर्मियों में तो करो ही करो, इसको स्किप मत करो। भले नहीं है तो पॉन्ड्स पाउडर हो या जॉनसन बेबी पाउडर हो, आप किसी से भी कर सकते हो, बेबी पाउडर हो आप उससे करो। अभी मैं यहाँ पर अपनी अपने ब्रॉ बोन को हाईलाइट कर लूँगी दोनों साइड को। इनर कॉर्नर को हम नहीं इससे हाईलाइट करेंगे, हम लिक्विड हाईलाइटर यूज़ करेंगे वहाँ पर। एंड इसके बाद जो भी मैंने क्रीज पे स्टेप्स फॉलो किए थे वो मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पर ध्यान रहे मैं एक वाइट काजल लगा चुकी हूँ, आप नहीं लगाना चाहें तो उसे स्किप कर सकते हो। गोल्डन लिक्विड आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ और उसे बाकी का बचा इनर कॉर्नर उस पर लगा रही हूँ। यहाँ पर बेकिंग मेरी हो चुकी है कम्प्लीटली, उसे डस्ट आउट किए दे रही हूँ। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। तो जिससे मैंने ब्रॉ बोन को हाईलाइट किया था उसी से मैं अपने पूरे फेस को हाईलाइट कर लूँगी, वो है मेकअप रेवोल्यूशन का शिमर ब्रेक रेडियंट करके। अब लगाएंगे हम मस्कारा। तो मस्कारा के लिए मैं मेबलिन कोलोसल मस्कारा ले रही हूँ। अगर आप आईलैशेस स्किप कर रही हो तो मस्कारा अच्छे से लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक लुक दिखा दे रही हूँ, बिना आईलैशेस के भी मस्कारा जब आप लगाओगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा, क्योंकि मैं तो मस्कारा लगाने वाली हूँ ईद के दिन, आईलैशेस नहीं लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम अपने आईलैशेस को कर लेते हैं ऑन और अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैं सबसे पहले लिप लाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं स्मज मी नॉट शुगर की लिपस्टिक शेड, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डैब डैब कर लेंगे फिंगर से ताकि फुलर लुक मिले हमें। एंड या दैट्स प्रीटी मच डन, और हो चुका है हमारा मेकअप कंप्लीट। आई होप कि आपको ये आज का मेकअप लुक बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से मतलब बन के उतर के आया है ना, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो डेफिनेटली मैं इस टाइप का ही मेकअप लुक कुछ ट्राई करने वाली हूँ, बिकॉज़ शादी के बाद अब इस टाइप का मेकअप लुक मैं फ़र्स्ट टाइम करूँगी। मैंने इस टाइप का लुक काफ़ी टाइम से नहीं किया इन रियलिटी। तो आई होप कि आपको ये आज का लुक अच्छा लगा हो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। लाइक तो करिएगा क्योंकि एक लाइक आपका बहुत मायने रखता है हमारे लिए। सो नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।